हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड गली। मैं हूं माधवी और आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे आई गेस। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। तो आज हम बनाने वाले हैं मसाला वड़ा। ये बहुत ही एक अच्छा स्नैक है और हेल्दी स्नैक है, प्रोटीन से भरपूर ये स्नैक है। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। फॉर ड्राई मसाला, यहाँ पे हम ड्राई मसाला बनाने वाले हैं सबसे पहले। तो यहाँ मैंने लिया है सौंफ, दालचीनी, जीरा और कुछ सूखी मिर्चें। आप इसकी क्वांटिटी घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे चना दाल चाहिए, जो कि मैंने 2 घंटे सोख करके रखे थे। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हमें क्या करना है कि चना दाल को आप अच्छे से ग्राइंडर में कोर्सली पीस लीजिएगा। इसे ज़्यादा पेस्ट मत बनाइएगा, थोड़ा सा इसमें दानेदार होने चाहिए, तभी ये कुरकुरे वड़े बनकर तैयार होंगे। साथ ही साथ इसमें मैं डालूँगी जो मैंने थोड़े से चना दाल बचा के रख लिए थे, क्योंकि थोड़े से खड़े चना दाल अच्छे लगते हैं, क्रंची हो जाता है ये वड़ा। तो इसमें अब हम ऐड करेंगे हमारे मसाले। इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिएगा। देखिए इस तरीके से हल्का दरदरा पीसना है, ज्यादा पेस्ट नहीं बनाना है इसे। इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट, साथ ही साथ हम इसमें जो ड्राई मसाला हमने बनाया था उसे पीस के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो दोस्तों, इसमें हमने जो सौंफ ऐड की है ये बहुत ही अच्छी फ्लेवर देती है वड़ों में, और अगर आप चाहें तो आप इसमें मिंट लीव्स भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी नहीं थी, ऐड नहीं किया है इसमें, अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्ची भी इसमें ऐड की है, चॉप करके इसमें डाल दीजिए। क्योंकि ये बड़े हैं, आप इसे किसी भी स्नैक में, टी टाइम में, साथ में खा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया लगते हैं चाय और कॉफ़ी के साथ में। यहाँ मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक। साथ में डालेंगे हम हल्दी, 1 छोटा चम्मच हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। इफ़ यू वॉन्ट आप इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं, खड़ा जीरा भी डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। नाउ जस्ट मिक्स इट वेरी वेल। इसे बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा, नहीं तो क्या होता है कभी कभी इसमें ना नमक कहीं रह जाता है, कहीं नहीं पहुंच पाता है, इसलिए बहुत अच्छे से इसे मिक्स कीजिए। तो दोस्तों, कभी होता है ऐसा कि अगर आपने कभी चना दाल सोख किया है और आप 2.5 घंटे बाद नहीं बना सकते हो तो आप क्या कर सकते हैं। इसमें एक आपके लिए मैं टिप यहाँ पे दिखा रही हूँ कि होता क्या है कि पानी बहुत ज़्यादा ये सोख कर लेता है चना दाल। तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच चावल के आटे को ऐड करके इसे अच्छे से वापस से मिक्स कीजिए, एंड आप देखोगे जब आप इसे फ्राई करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा वड़ा बनकर, क्रंची वड़ा बनकर तैयार होगा, ज़्यादा सॉगी नहीं होगा इसका बैटर। तो ये एक टिप है। तो दोस्तों, इसे अच्छे से मिक्स करके पतले पतले थोड़े वड़े आप बना के तैयार कीजिए, जैसे टिक्की होती है वैसे ही टिक्की आपको बनानी है। बैटर से देखिए मैं यहाँ बना रही हूँ, और इसे गरम तेल में फ्राई कर लीजिए। अच्छा, ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम टू स्लो में आपकी फ्लेम होनी चाहिए गैस की, तभी ये करारे और अच्छे से अंदर तक पकेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम होगी तो ये ऊपर से करारे हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मीडियम टू स्लो फ्लेम रखिए, पलट पलट कर अच्छे से इसे सेकिए, फ्राई कीजिए, और आप देखेंगे कि आपके जो मसाला वड़ा है ये बहुत अच्छे बने हैं और आपकी फैमिली इसे बहुत अच्छे से इंजॉय करेगी। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप यहाँ तक वीडियो देख लिया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
लाइक भी कर दीजिए वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, लव्ड वंस के साथ में। आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं, कॉफ़ी के साथ में, कैचअप के साथ में, चटनी, आप हरी चटनी बना सकते हैं। देखिए कितने अच्छे और करारे बनकर ये तैयार हो चुके हैं। आप इसे सर्व कीजिए गर्मा गर्म चाय और कॉफ़ी के साथ में, कैचअप के साथ में, चटनी के साथ में। बहुत अच्छे लगते हैं ये, विंटर स्पेशल आप इसे बना सकते हैं। मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ में और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैप्पी, बी पॉजिटिव। बाय बाय।